एक डिबेट रखा है, डिबेट ऑन द थीम है इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। इस पर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, चार पार्टिसिपेंट्स हैं, दो इस पर के फेवर में बोलेंगे अपने दलाइल के साथ और दो इसके अगेंस्ट बोलेंगे, उनके भी अपने दलाइल होंगे। तो हम इस प्रोग्राम को बाजब्त शुरू करेंगे तिलावत कलाम पाक से, तो उसके लिए मैं वॉलंटियर। بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن नबी हूँ मेरे मैं लकब पाने वाला मुरादे गरीबों की बरलाने वाला वो नबी हूँ मेरे मैं लकब पाने वाला। हेडमास्टर सर एंड अदर टीचर्स माय डियर क्लासमेट्स अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। I am Ayaz Masood in front of you. My debate is about digital world. The internet has probably been man's socially isolated than those who did not use social media as often. Social networking is in reality social isolation. While the unlimited amount of information available online is apparently conducive to education, it has not really advanced the cause of सोचे अगर डिजिटलाइजेशन नहीं हुई, मोबाइल फोन्स नहीं होते, इंस्टेड ऑफ कोविड हम फिर भी पढ़ पाए ऑनलाइन क्लास के जरिए। ये पॉसिबल इसलिए था क्योंकि हमारे पास मोबाइल फोन्स थे, डिजिटलाइजेशन थी, तभी जाकर ये पॉसिबल हुआ। अगर ऐसा नहीं होता, डिजिटलाइजेशन नहीं होती, तो हमारे जो वो 2 साल थे पूरे के पूरे कम्प्लीटली जो है हमारे वेस्ट हो जाते। पिछले दो साल इससे वेस्ट किए हैं क्योंकि हम हर एक बच्चे को अपने माँ बाप ने मोबाइल फोन दिया, जिस पर हर एक बच्चा पढ़ाई के बजाय वो गेम्स खेलता रहा, जिससे आज की जनरेशन बहुत खराब होती जा रही है। जैसे कि आज बच्चे सिर्फ गेम्स खेलते हैं, यानी फ्री फायर पबजी इस एडिक्शन पे लगे हुए हैं, इससे हमें बहुत नुकसान हो जाता है। थैंक यू। जो आज का ये टॉपिक था इसमें आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और यही चीजें सीखने की होती हैं। आज का ये हमारा हफ्ता जो है डिजिटल वीक, इस पर बहुत सारा ग्रुप प्लानिंग जैसे श्री साहब ने बताया आपको वो बनी हुई है। हर दिन हमारा एक एक इसके बारे में एक एक प्रोग्राम हुआ करेगा, तो इंशाल्लाह हम आइंदा भी आगे भी अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम करते रहेंगे। तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अच्छी तैयारी की थी और इंशाल्लाह आगे भी आप और तैयार हो जाएंगे। कुछ बच्चों ने हिस्सा दिया